हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको लेडीज पैंट की कटिंग बताएंगे, यानी कि ट्राउज़र की कटिंग। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप ना करना, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो फ्रेंड्स, यहां पर देखिए, हमने ये 2 मीटर फैब्रिक लिया है और किनारी साइड मैं अपनी तरफ रख रही हूँ। आप देख सकते हो, ये किनारी साइड मैंने अपनी तरफ रखा है, यानी खुली हुई जो इसकी साइड है वो अपनी तरफ है। यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे, इसके अंदर ही हमारा नाप रहेगा जो भी हम निशान लगाएंगे। 36 इंच हमारी लेंथ है और 36 इंच हिप है और 6 इंच की हमने मोहरी रखी है। तो फ्रेंड्स, इसका जो नाप रहेगा वो रहेगा हमारा हिप के हिसाब से। तो जैसे कि हमारा हिप है 36 इंच, तो उसमें हमें 4 इंच प्लस करना है तो वो 40 आ जाएगा। और हमें 40 का 1/4 यहाँ पर निशान लगाना है 10 इंच। तो 10 इंच के हमने यहाँ पर हिप के निशान लगाए हैं। 1 इंच हमें नीचे की तरफ डाउन करना है, यहाँ से हमने 1 इंच डाउन किया है नीचे की तरफ, ताकि आपको बैठने में दिक्कत ना हो। ये इस तरीके से आपको डाउन करना है। तो यहाँ पर 10 इंच हमने हिप के निशान लगाए हैं। तो आपको आसन के निशान लगाने हैं। आपका जो 40 इंच हिप है उसका 1/4 रखना है, तो यानी कि 1/4 आएगा हमारे यहाँ पर 13 इंच। तो यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर 13 इंच पर निशान लगा लिया है। तो सूत का कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो 10 इंच हमने यहाँ पर हिप लगाया है, तो 10 इंच हम यहाँ पर नीचे निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हम इन दोनों निशानों को मिला देंगे और ये नीचे वाला निशान भी हम सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने 10 इंच का निशान लगाया था। अब यहाँ पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे। यहाँ हमने आसन के लिए 2 इंच और एक्स्ट्रा निशान लगाने हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने आसन 13 इंच पर रखा है और यहाँ पर हमने देखिए इस तरीके से इंची टेप को रखते हुए जो बीच में हमने इसका निशान लगाना है, तो यहाँ पर 12 का आधा आएगा हमारा 6 इंच। तो 6 इंच पे हमने निशान लगा लिया है, ये देखिए। और यहाँ से हम कर लेंगे आसन की गोलाई। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर आसन की गोलाई की है और 6 इंच पर निशान लगाया है। ये देखिए, हमने यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगाया है। आपको जो भी नाप है उसका आधे पे ही निशान लगाना है। और उसके बाद हमने लेंथ का निशान लगाना है। लेंथ लेनी है हमें 36 इंच। 36 इंच मैंने ये लेंथ के निशान लगाए हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपने नाप के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर हमने 6 इंच का निशान लगाया है, तो नीचे भी हम एक निशान 6 इंच पर इस तरीके से लगा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर फंटी को रखते हुए इस निशान को सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, सीधा करने के बाद हमने यहाँ पर देखिए 3 इंच का निशान लगाया है और 3 इंच हम इधर निशान लगाएंगे, यानी कि टोटल हमारी 6 इंच की मोहरी रहेगी। आपको मोहरी कम ज़्यादा करनी है तो आप निशान के दोनों साइड में बराबर निशान लगाएँ। और इंची टेप को इस तरीके से हमने रख कर यहाँ पर फिटिंग के निशान लगा रहे हैं। आपके पास सेफ पट्टी है तो आप उस पट्टी से भी निशान लगा सकते हो। मैंने इस तरीके से इंची टेप रखकर निशान लगाए हैं। और उसके बाद ये देखिए, हमने फंटी से निशानों को मिला दिया है और साइड में भी हम इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूरी दूरी पर एक निशान लगाए हैं। दूरी दूरी पर, थोड़ी दूरी पर निशान लगाने के बाद फंटी से इन निशानों को हम मिला देंगे। तो फ्रेंड्स, ये निशान देखिए हमने यहाँ पर मिला दिए हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स, ये देखिए, हम नीचे निशान लगाएंगे 2 इंच एक्स्ट्रा, जो कि हमारा मोहरी फोल्ड होगी। यहाँ पर हमने 2 इंच का फोल्ड होने के लिए एक्स्ट्रा निशान लगाना है और इस निशान को अब हम सीधा कर लेंगे और नीचे से हम इसको इस तरीके से मिला देंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने फ्रंट साइड के पर्थ के निशान लगा लिए हैं। अब कटिंग हमें यहाँ से करनी है, यानी कि यहाँ से हम नीचे वाले निशान पर कटिंग करेंगे और बाकी के हमारे जो भी निशान है उन्हीं निशानों पर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, हम यहाँ पर इस तरीके से कटिंग के निशान पर ही हम कटिंग कर रहे हैं। उसके बाद हम साइड से भी कटिंग कर देंगे। तो फ्रंट यहाँ से देखिए, हमने नीचे साइड से भी कटिंग कर ली है। तो ये फ्रंट साइड का पर्थ हमारा कट चुका है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने बैक साइड के पर्थ कटिंग के लिए कपड़े को रख लिया है। ये भी हमने किनारी साइड अपनी तरफ रखी है, जो किनारी वाला हिस्सा है वो हमने अपनी तरफ रखा है और डबल हमने कपड़ा बिछाया है। और फ्रंट साइड के पर्थ को इसी के ऊपर हम इस तरीके से रख लेंगे। ये देखिए, हमने इस तरीके से रखा है और यहाँ से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाने हैं ऊपर की तरफ। जो बैक साइड का पर्थ है, यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे, ताकि हम बैठते में हमारी पैंट नीचे की तरफ ना हो। उसके बाद हमने यहाँ से देखिए 2 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाना है नीचे तक, यहाँ पर आसन के बराबर में भी और यहाँ नीचे साइड फिटिंग पे भी हमें 2 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाना है। अब इन निशानों को हम एक दूसरे से इस तरीके से मिला देंगे। तो फ्रेंड, मैं बहुत ही सिंपल तरीका आपको बता रही हूँ, फिर भी आपको कुछ भी समझ में ना आए तो
प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कहाँ से और क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने बैक साइड के निशान के भी लगा पर्त के निशान लगा लिए हैं, अब इन्हीं निशानों पर कर देंगे हम कटिंग। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए अब हम इसकी साइड से भी कटिंग कर देंगे। तो हमने पहले कपड़े को सीधा कर लिया, उसके बाद साइड से भी हमने कटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरीके से हमने पैंट की कटिंग की है। तो फ्रेंड्स आपको पैंट की स्टिचिंग देखनी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, कमेंट में बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।